Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाली हूँ. इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने BA फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, आपको मार्किंग स्कीम बताई थी. उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. सो मच मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप बहुत पेशेंटली वेट करते हो, और मैं पूरा ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आप तक नोट्स जो है मैं पहुँचाऊँ. मुझे पता है सिर्फ एक ही मंथ रह गया आपके, दिसंबर में एग्ज़ाम है. अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आप तक नोट्स पहुँचे, ताकि आप तैयारी करो और आप अच्छे नंबर ले पाओ एग्ज़ाम में. चैनल पे ट्रस्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच. ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि उनके पास ये नोट्स पहुंच जाएं जिनको जेन्युइनली इन नोट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास ये SSI ग्रुप्स का आप लोग वहां तक पहुंचा सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव मेथड, डिस्कस इट्स मेन करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस. सो सबसे पहले आपने ये बताना है कि कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं. सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पर जिस पैटर्न से मैं आपको समझा रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न नहीं समझाया जाता और आप सीधा जो है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देते हो. जस्ट एक लिखने का तरीका होता है, उसी में ही आपको जो है 18 में से 15-16 नंबर आराम से मिल जाएंगे, आई गारंटी. ठीक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जस्ट एक पैटर्न सीखना है. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड विदाउट द यूज़ ऑफ कंपैरेटिव मेथड द प्रॉपर एंड इफेक्टिव स्टडी ऑफ इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आज के मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिक्स हम पढ़ते हैं उसको कंपेयर करके पढ़ा जाता है. जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको कंपेयर किया जाता है अमेरिकन पॉलिटिक्स से. और उसके अलावा अगर हम कंट्री लेवल पे भी बात करें, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हर गवर्नमेंट में अपनी एक सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम उसको भी कंपेयर करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है कौन सी नहीं. तो आज के मॉडर्न टाइम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके यूज़ के बिना, कंपैरेटिव मेथड के यूज़ के बिना, हम लोग जो है किसी भी पॉलिटिक्स के मेथड को या सिस्टम को अच्छे से इफ़ेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते हैं. कंपैरेटिव मेथड इज़ लाइफ एंड सोल ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जो ये कंपैरेटिव मेथड है ये पॉलिटिक्स की जान है. जब तक हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें उस पॉलिटिकल सिस्टम की भी एफिशिएंसी का पता नहीं चलेगा. तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो पॉलिटिकल सिस्टम कितना अच्छा है. थ्रू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव मेथड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स आर नॉट ओनली कंपेयर्ड, रेदर स्टैटिक्स आर कलेक्टेड. सिर्फ उन्हें पढ़ा ही नहीं जाता, उसके साथ साथ डाटा भी कलेक्ट किया जाता है. दीज आर प्रॉपरली क्लासीफाइड. डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. आफ्टर मेकिंग द वेरीफिकेशन ऑफ दिस, उसको वेरीफाई किया जाता है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया हमने टाइप्स में डिवाइड किया, क्या वो सही है या फिर गलत है. कॉन्क्लूजन्स आर ड्रॉन विच हेल्प इन थ्योरी बिल्डिंग. उसके बाद हम किसी नतीजे में पहुँचते हैं, और जो थ्योरी होती है वो बनाने में हमें मदद मिलती है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में. एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वॉज फर्स्ट यूज दिस मैथड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो एरिस्टोटल, जिनको हम फादर बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस का, उन्होंने पहली बार कंपैरेटिव मैथड का इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए. नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी डेफिनेशन. अब यहाँ पर डेफिनेशन जो है आपने टू द पॉइंट लिखनी है, क्योंकि किसी ऑथर या स्कॉलर के लिखे हुए वर्ड्स हैं, आप अपने आप बनाकर डेफिनेशन नहीं लिख सकते हो. आप दो या तीन बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी. मैंने सबसे ईजिएस्ट वन यहाँ पर आपके लिए लिखी है. डेफिनेशन लिखने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे. सो प्लीज़ टू द पॉइंट ऐसे ही लिखनी है, अपनी तरफ से बनाकर आप नहीं लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू एलन लर्सन द फंक्शन ऑफ कंपैरेटिव मेथड इज़ टू आइडेंटिफाई यूनिफॉर्मिटीज डिफरेंसेस एंड टू एक्सप्लेन देम. सो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है कंपैरेटिव मेथड का, कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि दो सिस्टम में क्या यूनिफॉर्मिटीज़ हैं, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल कर दो कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और ये देख रहे हैं उनमें क्या चीज़ें सेम हैं, क्या चीज़ें अलग हैं. जो चीज़ अलग है
वो किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि वो चीज़ें डिफरेंट हैं दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से। नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। तो कोई भी आपसे पूछा जाए हेडिंग, आपने सेम ही पॉइंट्स कवर करने हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है सिमिलैरिटी ऑफ द यूनिट्स ऑफ कंपैरिजन। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी अमंग द यूनिट्स सिलेक्टेड फॉर कंपैरिजन। तो जिस भी चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं किसी सिस्टम के, तो अगर हम दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक कंट्री ले रहे हैं बहुत ही बैकवर्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री ले रहे हैं और एक हम कंट्री ले रहे हैं डेवलप्ड जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी यूनिट को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बाय सिमिलैरिटी ऑफ यूनिट वी मीन दैट देयर शुड बी ऑफ द सेम लेवल। अब यहाँ पर सिमिलैरिटी का मतलब है कि वो एटलीस्ट सेम लेवल पे तो हों, कि जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके मॉडल को हम डेवलप कंट्रीज़ के कंपेयर कर रहे हैं तब कोई फ़ायदा होगा। अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ी कंट्री है, उसको आप डेवलप्ड के साथ कंपेयर करोगे उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसको कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वी कैन मेक यूज़ ऑफ कंपैरेटिव मेथड टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द इंडियन पार्लियामेंट बिकॉज बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस आर द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडीज इन देयर कंट्रीज। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट का कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ में पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी जो रूल बनाते हैं उन दोनों कंट्रीज़ के लिए, और दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसीलिए अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ईजिली कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सिमिलैरिटी इन कंपेरेबल इशूज़। देयर शुड बी सिमिलैरिटी इन कंपेरेबल इशूज़ एंड इन द एबसेंस ऑफ दिस आर स्टडी विल ऑफ नो यूज़। तो अगर हम कंपेरेटिव मैथड का यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम या स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, तो जो भी इशूज़ होंगे वहाँ पर वो सेम होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, द कंपेरिजन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद द चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट विल बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल बिकॉज देर आर वाइड डिफरेंसेस इन देयर रोल्स एंड फंक्शंस एटसेट्रा। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और अमेरिका के चीफ जस्टिस को जो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के जज हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के जो रोल है, जो फंक्शन है, वो टोटली डिफरेंट है एक जज के रोल से। सो यहाँ पर जब भी किसी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है उनसे रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, उनके रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सिमिलर होने चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोथ आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड प्ले द रोल ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव हेड। सो अगर हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर करना है तो हम किससे कंपेयर करेंगे? ब्रिटिश पीएम से, क्योंकि दोनों के रोल और फंक्शन सेम रहेंगे। सो ईजिली हमें जो है अपनी स्टडी करने में हेल्प रहेगी, हमारा कंक्लूजन भी ईजिली निकल जाएगा हमारे कंपैरेटिव मेथड को यूज़ करके। थर्ड पॉइंट है सिमिलैरिटी इन डेफिनेशन ऑफ कंपेरेबल यूनिट्स। देयर शुड बी सिमिलैरिटी इन द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट सिलेक्टेड फॉर कंपैरिजन। तो जिन भी यूनिट्स को या पार्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं उनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर जिसका मीनिंग जो है अलग अलग रहता है अगर उसकी डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट या टॉपिक की हम स्टडी करते हैं उसकी डेफिनेशन सेम रहनी चाहिए। द सब्जेक्ट्स विच हैव वाइड डिफरेंसेस इन द डेफिनेशन आर नॉट फिट फॉर कंपैरिजन। तो ऐसे अगर हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनकी डेफिनेशंस डिफरेंट है, एक स्कॉलर उसके प्रस्पेक्टिव में कुछ और बोल रहे हैं और दूसरे स्कॉलर कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट की कंपैरेटिव स्टडी करने में डिफ़िकल्टी होगी। फॉर एग्जांपल, द सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर हैव वेरी क्लियर डेफिनेशंस एंड देयर आर नॉट वाइड डिफरेंसेस अमंग द व्यूज ऑफ द डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट दीज कॉन्सेप्ट। अगर हम कंपैरेटिव मेथड का यूज़ कर किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को रीड करते हैं या फिर ये देखते हैं कि कैसे जो सोसाइटी है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर या फिर कल्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, तो ज़्यादातर जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी डेफिनेशन इनके लिए सेम ही रहती है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करने में हमें कंपैरेटिव मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। बट इन कंपैरिजन टू इट देयर आर वाइड डिफरेंसेस अमंग द व्यूज ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट द लिबरल एंड द मार्क्सियन डेमोक्रेसी। बट इसी के ऑपोजिट अगर हम स्टडी करने के लिए लिबरल या मार्क्सियन टॉपिक को लेते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स ने लिबरल और मार्क्सियन सब्जेक्ट पे अलग अलग अपनी जो है व्यूज़ बताए हैं, डेफिनेशंस
खींचती हैं। सो इसीलिए जब भी कभी कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया जाता है, जिस भी यूनिट को टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग स्कॉलर्स या ऑथर्स उसकी डेफिनेशंस या अपना व्यू पॉइंट उसमें अलग अलग दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डेफिनेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। इन केस द पर्सन इज नॉट क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज स्टडी, ही विल इंक्लूड क्वाइट एन इररिलेवेंट मटीरियल इन हिज स्टडी एंड विल गो फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज स्टडी एंड मे ऑल्सो फेल टू ड्रॉ राइट कॉन्क्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी पोलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं किसी भी कंट्री के, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए हमने उस स्टडी को स्टार्ट किया है। अगर ये पहले से क्लियर नहीं होगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इररिलेवेंट टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं हम उसमें ऐड कर लेंगे और जिसकी वजह से हमारा जो राइट कॉन्क्लूजन निकलना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। सो इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी को करते वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। इन केस ही इज़ क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज स्टडी देन इट विल बी ईजी फॉर हिम टू बिल्ड हाइपोथेसिस। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो हम वैसे ही मटीरियल चूज करेंगे, उसका टाइम सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स लेंगे, सर्वे करेंगे, देन उस पर बेस जो है अपनी थ्योरी तैयार करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। सो ही विल ऑल्सो मेक यूज ऑफ द रिलेवेंट मटीरियल एंड विल डिस्कार्ड द इररिलेवेंट वन। तो जो भी हमारे कंपैरेटिव स्टडी में करते वक्त जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं और जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टडी में। फिफ्थ पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस देयर वर्किंग। अब जो भी फैक्टर्स किसी एक सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यानी उसकी वर्किंग पे प्रभाव डाल रहे हैं वो सारे सेम होने चाहिए। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमारी कंट्री में भी जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उस टाइम पर, उसमें जो भी एनवायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, जो भी हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, हमारा रिलीजियस सिस्टम है, वो सारी चीज़ें एनवायरमेंट में हैं और वो सारी चीज़ें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो इसीलिए जब भी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को या किसी भी चीज़ की स्टडी करते वक्त हम कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई टॉपिक लिया स्टडी करने के लिए एक कंट्री का और दूसरा दूसरी कंट्री का और दोनों के फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंसिंग वो बहुत अलग हैं। एक का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, एक कंट्री का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, हम उन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। सो ऐसे टॉपिक्स को कंपेयर करना है जिनका इन्फ्लुएंसिंग एनवायरनमेंट फैक्टर सेम है। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्टवर्दी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज मेड पॉसिबल। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर वी कैन नाइदर प्रॉपर अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नॉर वी कैन ड्रॉ ट्रस्टवर्दी कंक्लूजन। देखो पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले कौन करता है? ह्यूमन। और ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही पॉलिटिकल सिस्टम जो है पूरा चलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ह्यूमन के बिहेवियर को अगर स्टडी कर लिया जाए तो उसे पता लगाया जा सकता है कि वहाँ की कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है और उससे हम कॉन्क्लूजन्स भी निकाल सकते हैं। बट विद द यूज़ ऑफ कंपैरेटिव मैथड ट्रस्टवर्दी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डन। तो इस कंपैरेटिव मैथड को यूज़ कर हम ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी कर सकते हैं और अगर हमने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर ली तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है थ्योरी बिल्डिंग्स बिकम पॉसिबल। अगर हमने कोई न्यू थ्योरी बनानी है उसके लिए भी कंपैरेटिव मेथड बहुत यूजफुल है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी द रैशनल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द कंसर्न्ड फैक्ट एंड पॉलिटिकल इवेंट इज पॉसिबल। आज के टाइम में अगर हमने कोई भी न्यू पॉलिसी निकालनी है, कोई न्यू अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके लिए जो पहले से पॉलिटिकल थ्योरीज अवेलेबल हैं हम उनकी हेल्प लेकर न्यू पॉलिसीज बना सकते हैं। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू सिचुएशन मोस्ट ऑफ द ओल्ड थ्योरीज हैव बिकम इररिलेवेंट। बट आज के मॉडर्नाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसे न्यू टॉपिक्स एड ऑन हो रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज जो ओल्ड वाली हैं वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हमने ऐसी कोई न्यू रूल बनाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरीज जो पहले से चल रही हैं वो हेल्पफुल नहीं होंगी। सो यहाँ पर कंपैरेटिव मेथड जो है बहुत यूजफुल होगा इन सारे टॉपिक्स पे रूल्स बनाने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रीवियस ओल्ड थ्योरीज जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, हमें न्यू थ्योरीज की ज़रूरत है, तो उसमें कंपैरेटिव मेथड बहुत यूजफुल है। थर्ड पॉइंट है रीवैलिडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल थ्योरीज। कंपैरेटिव पॉलिटिक इज अ लेबोरेटरी वेयर द थ्योरीज आर कॉन्टिन्यूसली एग्जामिन्ड। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक लैब की तरह काम करते हैं जहाँ पर थ्योरीज जो है कॉन्टिन्यूसली एनालिसिस और एग्जामिन की जाती हैं। अटेम्प्ट्स आर मेड टू सी वेदर थ्योरीज
founded in the past are still valid or not. तो जितनी भी पुरानी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो आज भी वर्क कर रही हैं क्या, आज भी यूजफुल है, उनके अकॉर्डिंग हम रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं. तो कॉन्टिन्यूसली उसकी चेकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है न्यू पॉलिसीज बनाई जाती हैं. एग्जिस्टिंग थ्योरीज आर टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ न्यू टूल्स एंड न्यू मैथड्स एंड फॉर दिस कंपेरेटिव मैथड इज ऑफ ग्रेट यूज़. सो इसीलिए जितनी भी आज के टाइम में एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उसको चेक किया जाता है न्यू टूल्स और न्यू मैथड्स के साथ, ताकि हम लोग जो है एक एफिशिएंट पॉलिसी बना सके कंट्री के लिए. तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव मेथड सबसे यूजफुल है. थ्योरीज विच डू नॉट अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रेजेंट आर डिस्कार्डेड एंड न्यू थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन देयर प्लेस. तो जो थ्योरीज जो है आज के न्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं मैचअप हो पाती हैं, तो उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और उनकी जगह न्यू जो थ्योरीज है वो बना दी जाती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी थ्योरीज हैं उनको चेक किया जाता है कि उनकी वैलिडिटी है या नहीं है. सो ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरेटिव मेथड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है, जर्नलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल विद द यूज ऑफ कंपैरेटिव मेथड आफ्टर मेकिंग द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्किंग अंडर द सेम सर्कमस्टांसिस एंड द सेम सिचुएशन. वी कैन फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल विच कैन बी एप्लीकेबल एट एवरी प्लेस अंडर द सेम सर्कमस्टांसिस. देखो कुछ चीज़ें हर पॉलिटिकल सिस्टम में सेम रहती हैं, चाहे हम अमेरिकन, ब्रिटेन या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें. तो कंपैरेटिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको स्टडी करकर हम ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जो जनरल हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो हर पॉलिटिकल सिस्टम जो किसी भी जगह पर चल रहे हैं वर्ल्ड में वहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है. तो वो भी हमें कैसे पता लगेगा, कंपैरेटिव मेथड के थ्रू. फिफ्थ पॉइंट है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी विद द यूज ऑफ कंपैरेटिव मेथड फर्स्ट द फैक्ट्स आर कलेक्टेड. सो कंपैरेटिव मेथड की हेल्प से हम लोग सबसे पहले फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद प्लानिंग करते हैं. दीज आर क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज. तो जो भी हमने मटीरियल कलेक्ट किया है, फैक्ट कलेक्ट किया है, उसको क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं. सिमिलैरिटीज़, देन उनमें ये चेक करते हैं कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं. अब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम लोग अपने कॉन्क्लूजन पे आते हैं. तो यहाँ पर हम लोग जो अपनी स्टडी कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, एक साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं. सो इसीलिए कंपैरेटिव मेथड जो होता है बहुत ही यूजफुल मेथड है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने के लिए. लास्ट सिक्स्थ पॉइंट है आपका, वाइडन द स्कोप ऑफ स्टडी. नाउ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डज नॉट लिमिट द स्कोप ऑफ स्टडी only up to the comparative study of different political system. Rather, he also studies all those formal and informal factors which in any way influence the working of political system. आजकल कंपैरेटिव मेथड की जो स्टडी होती है वो बहुत ही वाइडन हो गई है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो गए हैं. आज सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते वक्त हम सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं पढ़ते कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसके अलावा इनफॉर्मल तरीके से जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस डाल रही हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम पे, उन सारी चीज़ों की भी स्टडी की जाती है, जैसे कि कास्ट, रिलिजन, रेस, ट्रेसी लेवल ऑफ द पीपल एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. तो ये सारी इनफॉर्मल चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम पे इफेक्ट डालती हैं. तो इन सारी चीज़ों का भी आज के टाइम में कंपैरेटिव स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो इसीलिए जो कंपैरेटिव स्टडी है इसका स्कोप बहुत वाइडन हो गया है. Now end में conclusion 4 to 5 lines and it is very important to write the conclusion in the end. इससे आपका answer जो है conclude हो जाएगा. कोई भी important lines जो हमने पूरे question में discuss की हैं आप end में लिख सकते हो. In case आपको lines नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ lines लिख दी हैं, आप यहाँ से read कर लेना, but conclusion लिखना is must. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.